नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि यूपी में उपचुनाव के लिए आज तीनों सीटों पर मतदान होना है। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा सीटों के उपचुनाव के मतदान पर अब बस देखा जाए, वक्त थोड़ा सा बचा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी जो शाम 6 बजे तक चलेगी और एबीपी गंगा ने खास तैयारी की है। आप अपनी स्क्रीन पर देखें किस तरीके से कि कहां कहां कौन कौन प्रत्याशी है, कौन से सीट का क्या समीकरण है और इस उपचुनाव में कुल 24,43,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए 1945 मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पहुंचेंगे और तमाम डिटेल्स जो है लगातार आप तक पहुंचाएंगे। मेरी सहयोगी आयुषी भी बनी हुई है। आयुषी, बिल्कुल स्नेहलता, काफी खास दिन आज का रहने वाला है। जो इतने दिनों से मेहनत चल रही थी, आज कहीं ना कहीं उन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। आज का दिन काफी खास रहने वाला और एबीपी गंगा ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आपको देगा। मैनपुरी में 6, रामपुर सदर में 10 और खतौली में 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो सपा ने डिंपल यादव और भाजपा ने रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। तो वहीं रामपुर की सीट जो कि काफी खास रहने वाली है, यहां से रामपुर सदर सीट से आजम खान के करीबी आसिम राजा को सपा ने टिकट दिया जबकि भाजपा की तरफ से आकाश सक्सेना चुनावी मैदान में है। खतौली सीट की अगर बात की जाए तो विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी भाजपा की तरफ से उम्मीदवार है जबकि सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने मदन भैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो मैनपुरी, रामपुर, खतौली में उपचुनाव हो रहा है। कुछ ही देर का समय बचा है जब शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तमाम जो बड़े नाम है इस बार मैदान में है और भाजपा और सपा दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। अपनी अपनी तरफ से जो बेस्ट चेहरे हैं उन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, और देखिए उपचुनाव पर लगातार एबीपी गंगा पर आपको कवरेज मिलती रहेगी क्योंकि इस 3 सीट पर उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं है, साख का सवाल है तो कहीं अपनी विरासत बचाने का सवाल है तो कहीं हिम्मत दिखा करके 80 में 80 लोकसभा सीट पाने का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट है कि आखिरकार ये टारगेट पूरा होगा कैसे, जब तक कि आप मैनपुरी की सीट नहीं जीत पाएंगे। नेताजी के जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। बीजेपी ने आज तक कभी भी इस सीट के लिए इतना जोर नहीं लगाया है लेकिन इसी सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार जाके चुनावी सभा करते हैं। इसके अलावा दोनों उपचुनाव के विधानसभा सीटों पर आप देखें तो सजा की वजह से इस सीट को खाली होता देखा गया था और अब यहां उपचुनाव की नौबत आई है और इस उपचुनाव में देखा जाए तो दोनों ही सीट पर टक्कर जो आमने सामने की, जहां खतौली की बात करें तो वहां आरएलडी सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया और सामने राजकुमारी सैनी यानी बीजेपी है। दूसरी तरफ रामपुर की बात करें तो यहां भी आजम खान के लिए ये उपचुनाव किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं होगा क्योंकि यहां सीट बचाने के लिए पूरी बिसात बिछाई है उन्होंने। अब उनकी स्ट्रेटजी कितनी कामयाब होती है, उनकी जनता के बीच क्या वो विश्वास जताए रह पाते हैं कि उन्हीं पर विश्वास जताए रहिए, वहीं बीजेपी ने पूरी किलेबंदी और घेरेबंदी करके प्रचार किया है आकाश सक्सेना के पक्ष में। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता जब ईवीएम का बटन दबाने से पहले मतदान केंद्र पर पहुंचेगी तो क्या सोच करके कौन सा बटन दबाती है और यही किस्मत का फैसला करेगा। इन तीनों ही सीटों पर दिलचस्प राजनीतिक दौर के बाद आज जब मतदान की बारी आई है तो यकीन मानिए पूरे देश में निगाहें टिकी हैं मैनपुरी उपचुनाव पर। यह सिर्फ उपचुनाव नहीं, उत्तर प्रदेश की बड़ी सियासत में जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं वहां 24 से पहले 1 सीट लोकसभा की और 2 उपचुनाव कहीं ना कहीं हर एक सियासी दल के लिए एक चुनौती से कम नहीं रहे हैं। कभी भी मैनपुरी में इस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं देखा गया क्योंकि 24 लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी दम भर रही है उत्तर प्रदेश में कि 80 की 80 सीटें हमारी होंगी, लेकिन कैसे जब मैनपुरी की सीट जीत करके दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा एक घटनाक्रम सियासी जगत में हो सकता है अगर बीजेपी के पक्ष में आज मतदान हुआ, और नहीं तो ये अपने आप में विरासत की लड़ाई बचाने की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।